खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के मल्लीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मजिदिया बेगमपुर गांव से है, जहां पर आज सुबह एक नवविवाहिता की लाश उसी के ससुराल में लटकते हुए मिली है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मायके पक्ष के लोगों ने ससुरालियों पर दहेज हत्या का आरोप लगाया है, जिस पर पुलिस ने पति समेत ससुराल के 5 लोगों पर दहेज हत्या समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जाँच शुरू कर दी है। इस संबंध में मायके पक्ष की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक रुखसाना पुत्री स्वर्गीय सुहान अली की बेटी की शादी करीब 4 महीने पहले ही मजिदिया गांव निवासी सिराज पुत्र घसीटे के साथ हुई थी। मायके पक्ष के लोगों का कहना है कि बेटी रुखसाना को ससुराल के लोग दहेज के लिए प्रताड़ित किया करते थे और 2 दिन पूर्व जब रुखसाना अपने मायके में थी तभी उसका पति सिराज उसे लेने आया और उसे मारते हुए घर लेकर गया और फिर उसके बाद उसे मार कर लटका दिया। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है मायके वालों का इस संबंध में। मायके पक्ष के लोगों का कहना है कि रुखसाना अपने मायके में थी और उसका पति तथा उसके ससुराल के लोग 2 दिन पहले रुखसाना को विदा कराने के लिए आए थे, जिसके बाद उसका जो पति है सिराज वो रुखसाना को मारते पीटते घर लेकर गया और जान से मारने की धमकी भी दे रहा था। घर ले जा करके सुबह फोन आया कि उसकी मौत हो गई है। भाई उसके घर वाले सता रहे थे दहेज के लिए। उसके घर में भी उसकी सास जो थी वो पहले भी उसको मने मन में पूछती थी वहीं पे। फिर वो एक दिन आई यहाँ मायके में, यहाँ पे एक रात रुकी, फिर वो लड़का आया लेने के लिए। जब लेने के लिए आया तो फिर जो लड़की की अम्मी थी तो उन्होंने कहा कि मतलब आज रुक जाओ भैया, दोनों जना मतलब रुक जाइए, खाना पीना मंगवाए हैं, खाना पीना मतलब खा के जाइए को शाम को, दूर है नहीं मेरे ही है। तो लड़का के माइंड में क्या आया क्या नहीं आया तो मोबाइल निकाला और मोबाइल निकाल के घर पे फ़ोन कर दिया। जब उसने फ़ोन कर दिया उसके माँ और 4 भाई 3 भाई जो थे सब लोग वहाँ से आए, बोले कि तुम्हारी मतलब लड़की क्यों नहीं आती है और कल से क्यों ये तुम लोग का रोज रोज का मतलब नाटक है, ऐसा कोई बात नहीं है भैया। जो वो लड़का लेकर गया तो मतलब पहले तो बोला कि हमको पंचायत ही करना है, ये करना है वो करना है। फिर उसके बाद में वो लड़का लेकर गया, मेरा छोटा जो भाई था वो बोला कि ठीक है भैया लेकर जाइए, आपकी अमानत है, आपकी अमानत है, आप लेकर जाइए, हमको ये मतलब खर्च नहीं करना है, आप ही किसके साथ में रहना है। तो उसने भेज दिया, हंसी खुशी से भेज दिए हम लोग। फिर वो लेकर गया वहाँ पे, तो जब उसके गांव के बगल में पुल है वहीं पुल गाड़ी खड़ा करके वहीं से मारते मारते लेकर गया घर पे। किसको? लड़की को। लड़की को वहाँ से मारते ले गया, वही शाम हो गया था 6-7 के और फिर का टाइम हो गया था ये। फिर उसके बाद में घर के सब लोग मंजूरी थे मारने के लिए, फिर वहाँ लेकर गए, मारे वारे जो भी करें। फिर उसके बाद में मार मुर के कहानी सब सामी के ख़त्म कर दिए, उसको मार मुर के सब नटे वटे साथ दिए। फिर उसको लस्सी पर लटकाया गया। जब अगर लड़की अगर खुद फांसी लगाती है तो दरवाजा बंद करेगी खिड़की, वहाँ पे दरवाजा बंद नहीं था, खाली भिड़ा हुआ था, जंजीर लगा हुआ था, ये लोग मार के खुद उसमें जंजीर लगाए हुए। कौन कौन लोग शामिल थे उसको मार, जैसा कि आप कह रहे हैं कि मार के टांग दिए, कौन कौन? उसके में सबसे मेन बात तो उसकी जो उसका शोहर था वो और उसकी महतारी ये। अच्छा, कितने साल पहले शादी किए थे अपने बहन की? मान के चलिए आपका 3 से 4 महीना हो गया। अच्छा, कौन से गांव में शादी किए थे? मूसे गांव से शादी हुआ था, मजिदिया गांव में। अच्छा, थाने में तहरीर दिए? हाँ दिए। पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस तो कार्रवाई जो है वो कर रही है अभी तक, अब आगे चल के क्या करती है मालूम नहीं। ये मोहनिया जो है सोनवा थाना पड़ता है। हा? और लड़की का मायका ससुराल कितनी दूर? अच्छा, कुछ 3-4 महीने पहले शादी हुई थी। क्या नाम है उसके पति का? उसके पति का सिराज नाम था। सिराज। और सिराज के पिता का नाम? घसीटे। घसीटे। आपकी बहन का नाम? रुखसाना। रुखसाना के पिता का नाम? सुभान अली। पिताजी नहीं है? वो तो अभी बाहर है मुंबई में। वो तो पहले जब शुरू से मैं शादी जब किया तो कुछ दिन तक तो सही साथ था, उसके बाद में जब 1-2 बार आई गई तो उसके घर वाले सताने लगे, उसकी अम्मी सताने लगी, लड़का भी सताने लगा। लेकिन लड़की के मन में ये मतलब मन मोड़ था कि ये ऐसा ही हमको सताते हैं तो अगर ये बात हम घर पे बोलेंगे तो सब घर वाले हमें को गलत समझेंगे कि तुमको रहना नहीं है, फलाने है धमाके। लेकिन वहाँ के लोग बहुत मतलब दहेज के बारे में, मोटरसाइकिल के बारे में सब सता रहे थे, उसके बारे में मतलब ये सब काम किया गया है। जब लेने आया था अभी जल्दी में
जब लेने के लिए आया था तो हम लोग मतलब हंसी खुशी से भेजे उसको, तो उसका जो मतलब आदमी रहा, उसका आदमी बोला कि चलो यहाँ से भी, तुम्हारा हम घर पे क्या करते हैं तुमको खुद नहीं पता है। हाँ, और इसके सब वो कारण है कि यही सब दहेज के बारे में मोटरसाइकिल। क्या क्या वजह हो सकती है जिससे आप लोगों को लगता है कि उसको मारा गया है? क्या क्या वजह, क्या चीज़ आपने देखा वहाँ जा करके? अब हमारे वजह यही है सर जी कि जैसे मान के चलिए कोई गरीब घर की लड़की है और कोई लड़का है तो दहेजी के बारे में होगा, होता है अक्सर ही, और लड़की में ऐसा कोई कमी और कोई। बॉडी आपने देखी लड़की की वहाँ पहुँच करके? हाँ, बॉडी देखी, चोट वगैरह निशान? यहाँ पे निशान था ना टाइम में। अच्छा। पहले यहाँ मारा गया है उसको, कैसा कैसा तो मारा गया है उसको, अगल बगल के गाँव के लोग भी नहीं बता रहे थे, जो हमारे गाँव की मूसे गाँव की मतलब जो औरतें लोग गई थी जो उनके मतलब खिलाफ की पार्टी थी, उन लोग कुछ बताए गए हैं। अच्छा, ससुराल से, ससुराल से मायके की दूरी कितनी है? ससुराल मायका कितनी दूरी पर? मान के चलिए तीन चार पाँच चार किलोमीटर, तीन किलोमीटर, तीन किलोमीटर है इतना। अच्छा।